सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगेन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने वाले। आज भी यहाँ पर 4a³ - 3a - 2, राइट। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, a^4 होता है और यहाँ पर a आ जाता है, या तो यहाँ पर a³ a² a, इस तरीके से पॉलिनोमियल चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर a² का टर्म मिस आउट है, ठीक है। तो अब देखे थे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आई एम श्योर सबको पता है कौन सा, x + y³ क्या होता है, x³ + y³ + 3xy (x + y), राइट। अब इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो x + y³ - 3xy (x + y) = क्या होगा, x³ + y³, राइट। आई होप कि इतना समझ में है आपको। अब देखिए, इस इक्वेशन में यहां पर 4a³ - 3a - 2 है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहां पर a³ बचेगा, -3/4 है, और इस 2 को मैं यहां पर ले जाऊं और फिर 4 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 2/4 (1/2), राइट। आई होप कि इतना समझ में है, बहुत इजी सा। अब देखिए, इस इक्वेशन को मैं इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो x + y = यहां पर मैं क्या मिल रहा है, a³ है, और यहां पर x + y का क्यूब है, तो मतलब x + y = a, राइट। और यहां पर x + y है तो यहां पर a भी है, और यहां पर -3xy की जगह पर -3/4 है। तो अगर यहां पर लिखूं -3xy = -3/4, तो xy = क्या मिला सिर्फ हमें, 1/4, राइट। एंड यहां पर = में x³ + y³ है, = यहां पर 1/2 है, तो उसको हम एज इट इज यहां पर पुट कर देंगे। अब देखिए, यहां पर अगर मैं y³ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो y³ = क्या होगा, 1/2 - x³। यहां पर मैं y³ की वैल्यू मिली। अब देखिए, नॉर्मली मैं करना क्या होता है, यहां पर x³ और y³, यहां पर एक इक्वेशन मिल चुकी है और यहां पर हम xy मिला है, तो अगर यहां पर भी अगर x³ और y³ आ जाए तो हम इन दोनों के इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर x³ y³ के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे क्यूब करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों जगह क्यूब करूंगा तो क्या होगा, 1/4 का क्यूब (1/64). तो यहां पर x³ और y³ मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर समेशन में, और दो इक्वेशन मिल चुकी है, दो वेरिएबल है, तो अभी इन दोनों इक्वेशन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जो मैंने यहां पर y³ की वैल्यू ली ना, तो उसको मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, x³ y³ की जगह 1/2 - x³ = 1/64। अब x³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ / 2 - x^6 = 1/64। अब यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इजी करने के लिए x³ = मैं कुछ एज्यूम करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं y एज्यूम करूँ, लेट x³ = y, तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो y की जगह में अगर कुछ और टर्म बी, लेट बी, ठीक है, वाई ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसलिए मैं बी वेरिएबल लिया। तो x³ की जगह अगर मैं बी पुट करूंगा तो इक्वेशन देखना बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर डायरेक्ट b/2 - x^6, तो b² = 1/64। अब इन दोनों टर्म को मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी b² - b/2 + 1/64 = 0। आई होप कि आपको समझ में आया। इतना हमने यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन ली है, b² - b/2 + 1/64। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मैं रखूंगा इस टर्म को तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको सोल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 64 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर 64 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64b² - b/2 × 64, मतलब 32b + 64, और ये 64 कैंसिल आउट, तो बचेगा सिर्फ 1। अब हम इस इक्वेशन को आसान से सोल्व कर सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, -b + √b² - 4ac/2a के फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर -b की वैल्यू मिलेगी हमें -32, तो +32 + -32² - 4 × 64, राइट। ये और c, a की वैल्यू क्या है, 64 / 2 × 64 क्या होगा, 128। तो अब देखना, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 4 × 64 है, तो 32 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 16
इंटू टी इंटू टू, तो एक बार 32 होगा, पर यहाँ पर दो बार 32 है इसलिए हमें दो बार 60 इंटू टू करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसकी पूरे का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा ना वो 32 का स्क्वायर रहेगा। वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पर 4 है और 64 कैसे होता है, 60 इंटू 4, राइट, 64 होगा और ये 4 एज इट इज। तो अब देखना यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होगा और ये 4 और ये 16 और ये 16 क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, राइट। तो 16 इंटू 4 64 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर बचेगा 4। तो 16 इंटू 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सॉरी यहाँ पर 64 आएगा, राइट, यहाँ पर भी 64 आएगा। तो 64 इंटू 4 होगा 256 इंटू 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है। अगर हमने कोई ऐसी टर्म ला ली जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर रूट आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 256 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट, किसका स्क्वायर होगा ये 256, 16 का, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो ये बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। तो 32 प्लस और माइनस 16 इंटू रूट थ्री अंदर डिवाइड बाई 128। और इसको अगर आगे हम सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस और माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई 8, ये मिली हमें बी की वैल्यू, राइट। याद रखना हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए, पर ये हमें मिली हमें बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली थी, एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई 8 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमें एक्स की वैल्यू मिली, राइट, पर हमें साथ में वाई की वैल्यू, और मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस था तो सिर्फ मैंने यहाँ पर प्लस क्यू लिखा, क्योंकि माइनस जो आएगा ना वो इसका कॉन्जुगेट आएगा और कॉन्जुगेट क्या है, वाई। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू लिखी, अगर वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूं तो वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। तो ये हमें एक्स की वैल्यू मिली और ये हमें वाई की वैल्यू मिली, पर मेन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए, ए इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए लिया है, तो एक्स की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, राइट, एंड प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय होल में 2, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में 2 सेम है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर पता चला जो मैंने किया है, यह सबसे पहले बी की वैल्यू ली, पर बी इक्वल टू हमने एक्स क्यूब लिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट और 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, सिर्फ अपन ने प्लस लिखा, क्योंकि माइनस जो आएगी ना वो वाई में आएगी, वो दोनों कॉन्जुगेट है इसलिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, पर हमें फाइंड आउट करना था ए विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो दोनों का हम समेशन कर देंगे, वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।